और अब जानकारी लालू यादव की सेहत को लेकर। इस वक्त वो सिंगापुर में हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ, ये सर्जरी अब पूरी हो चुकी है। लालू की बेटी रोहिणी ने उन्हें किडनी डोनेट की है। सिंगापुर में ये ऑपरेशन किया गया, ये सर्जरी अब संपन्न हो चुकी है। लालू की बड़ी बेटी मीसा ने इसे लेकर तस्वीर भी शेयर की है और वो तस्वीर आपके सामने है। लालू यादव की सेहत पिछले कई दिनों से खराब है और अब सिंगापुर में वो अपना इलाज करा रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट उनका हुआ है। लालू यादव की बेटी बनी मिसाल। बेटी रोहिणी ने किया अंगदान, पिता को मिला जीवन दान। बेटी पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती। इन शब्दों को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से बेहतर कौन समझेगा। आज सिंगापुर के अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। उनका यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा कि पापा की किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वहीं ऑपरेशन से पहले लालू की बेटी रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा था, रेडी टू रॉक एंड रोल, मेरे लिए इतना ही काफी है, आपकी खैरियत मेरी जिंदगी है। इससे पहले 25 नवंबर की शाम लालू यादव सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। उनके साथ पत्नी रावणी देवी, बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार भी गए थे। आरजेडी सुप्रीमो के किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।